दतिया कलेक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन के दिशा निर्देशन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी के एल भगोरा एवं उप निरीक्षक अनिरुद्ध खान बेलकर के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब को लेकर दो जगह कार्रवाई की गई, जिसमें 3 आरोपी पकड़े गए एवं 127 लीटर बल्क शराब कीमत 120,000 की अवैध शराब नष्ट की गई। साथ ही 34/2 के तहत 3 मामले ज्ञात एवं 1 मामला अज्ञात दर्ज किया गया। कार्रवाई को लेकर मीडिया के सामने जिला आबकारी अधिकारी ने खुलासा किया, इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका आबकारी निरीक्षक अनिरुद्ध खानवलकर ने एवं आबकारी स्टाफ की भूमिका रही। लॉकडाउन अवधि में जहां चारों तरफ शराब बंद है, शुष्क दिवस घोषित है, ऐसी अवधि में जैसे भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं शराब बड़ी मात्रा में बनाई गई है या जिसका कहीं अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है, इस दिशा में लगातार आबकारी विभाग दतिया काम कर रहा है। तो आज जो हमें इन्फॉर्मेशन थी उसके तारतम्य में कार्य किया गया। लगातार आज 2 दबिश दी गई हैं, एक तो नैनोर कंजोटेरा था, एक कटीली कंजोटेरा था, जहाँ पे हमने 2 दबिश दी हैं। और यहाँ पे अप्रॉक्स 127 बल्क लीटर जो हाथ भरती शराब जो ड्रमों में भर के रखी थी, जिसको आगे फॉरवर्ड करने की तैयारी थी और उसको अब कब्जा आबकारी लिया है, और साथ ही 2000 किलोग्राम महुआ लहान ऑन द स्पॉट नष्ट किया है। और इसमें 4 प्रकरण बने हैं, 3 जो प्रकरण बने हैं ज्ञात है, मौके से 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी, 34-1 का प्रकरण है और 1 34-2 का प्रकरण बना है। तो इस प्रकार से 4 कुल प्रकरण बने हैं और लगातार लॉकडाउन अवधि हो या आगे जो नॉर्मल डेज भी आएंगे, अवैध शराब के प्रति शिकंजा कसने के लिए आबकारी विभाग दतिया ऐसे ही तत्पर रहेगा। इसकी कीमत अप्रॉक्स से 1,20,000 रुपये है, जिसमें 127 बल्क लीटर शराब है और 2000 किलोग्राम मोहन है जो कि नष्ट हुआ है। लगातार चलती रहेंगी अवैध शराब और कच्ची शराब, हाथ भरती शराब जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई पैमाना नहीं होता, कोई माप नहीं होता, इस शराब को रोकना ये हमारा विशेष उद्देश्य रहेगा इस अवधि में। दतिया से लोकेश मिश्रा की ये रिपोर्ट।